दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आयु संबंधी या फिर एज रिलेटेड। दोनों तरह के प्रश्न की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। एक तो वो होता है जिसमें कि आपको आयु का योगफल या सम दिया रहता है, और या फिर गुणनखंड दिया रहता है, और उसमें अनुपात आयु का दिया रहता है, और उसमें आपको आयु निकालना होता है। उसमें ट्री मेथड की ट्रिक अपनाते हैं। और दूसरा जो मेथड होता है उसमें आपको आयु के अनुपात दिए रहते हैं, और उसमें आपको फाइनली या तो आयु पूछी जाती है दो लोगों की, या उनका योगफल पूछा जाता है, या फिर गुणनखंड, कैसे भी। देखिए बेसिक मैं आपको एकदम ट्रिक बता दूंगा कि आप अगर इसको समझ लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेगा इसमें, ज्यादा से ज्यादा, मतलब अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो 2-3 सेकंड में ही होना चालू हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, अगर आपको ऐसा मतलब दो ये आयु दी हुई है आपको, उसका सम दिया हुआ है, तो उसमें कैसे करते हैं ट्री मेथड में, पहले आप यहाँ पे उसका सम लिख लीजिए या फिर योगफल लिख लीजिए, और फिर उसमें दोनों का नाम लिख लीजिए और उनका रेशियो यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसमें आपको करना क्या है कि देखिए, मान लीजिए का और खा की आयु का अनुपात दिया हुआ था, का और खा, का इज टू खा, और उसके बाद आपको ये उसका योगफल दिया हुआ है, उसकी आयु निकालनी। तो उसमें आपको करना क्या है कि देखिए, का प्लस खा अगर भाग इसमें करेंगे टोटल, तो ये टोटल हो जाएगा योगफल। तो एक भाग आप निकाल लीजिए पहले, ये निकल आया, और फिर उसमें का की कितनी होगी, यानी कि पहले वाले बंदे की, वो का रेशियो में होगी या फिर एक्स रेशियो में होगी, तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं पूरे अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा, बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स तक, किससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इंग्लिश में देख लीजिए कि अगर एक्स वाई पार्ट, आपने एक्स वाई के दो एज दी हुई है, तो एक्स प्लस वाई इनको जोड़ेंगे, इसको इतने पार्ट में है ये टोटल सम, एक पार्ट की वैल्यू निकाल ली, अब आपको एक्स की एज निकालनी है, तो इस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आ जाएगी एज। तो इससे हो जाएगा ये वाला मेथड। और दूसरे वाले जो है उसमें सिर्फ आपको रेशियो दे रहेंगे, दो दो रेशियो दिए रहेंगे कि पहले अभी ये रेशियो में है, 12 साल पहले, 15 साल पहले इस रेशियो में, तो ये सब चीजें हैं, तो इससे आपको निकालना है। चलिए पहले वाले क्वेश्चन करते हैं। पहले वाले टाइप के जो है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। मान लीजिए गीता और मीता की आयु का अनुपात 5:3 है, ठीक है। अब दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, ये 40 साल दिया हुआ है। अब इसमें आपको वर्तमान आयु बतानी है, चाहे आप गीता की बता लो, चाहे मीता की बता लो, चाहे दोनों का योगफल बता लो, चाहे गुणनखंड, कुछ भी बता लो, बेसिक समझिए। टोटल सम कितना दिया हुआ है, योग 40, 40 आपने लिख लिया। गीता का आपने लिखा यहाँ पे, गीता लिख लिया यहाँ पे, मीता लिख लिया। दोनों का रेशियो कितना लिखा हुआ है, 5:3 है अनुपात, तो यहाँ 5 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 5 + 3 भाग की वैल्यू कितनी होगी, 5 + 3 भाग की वैल्यू होगी 40, तो एक भाग की कितनी वैल्यू हो गई, एक भाग की वैल्यू हो गई 40/8, यानी कि एक भाग की वैल्यू हो गई 5। अब एक भाग की वैल्यू हो गई 5, और गीता की जो आयु है वो 5 भाग है, और मीता की आयु कितनी, 3 भाग है, तो गीता की आयु निकालनी, तो 5 भाग है × 5 × 5, यानी कि 25 हो गई। मीता की आयु निकालनी, 3 भाग है, 3 × 5 हो गया कितना, 15। अब चाहे इसका सम निकाल लीजिए, सम कितना हो जाएगा, 15 + 25 = 40 हो जाएगा। इसका आप गुणनखंड निकाल दिए, 15 × 25, कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रामू और श्यामू की आयु का अनुपात 8:5 है, और दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना, 26। फिर वही करना है, योग लिखा आपने 26, दोनों को रामू लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे श्यामू लिख लिया, अनुपात कितना है, 8:5। अब 8 + 5 जो भाग है इसका वो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो गई, एक भाग हो गया 26/8 + 5, यानी कि 13। एक भाग की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 हो गई, रामू के जो पास कितने भाग हैं, रामू की जो एज होगी 8 भाग होगी, तो रामू की एज निकालनी है आपको, 8 × 2 कर दो, 16 आ गई। श्यामू की एज निकालनी है आपको, तो आप 5 × 2 कर दो, 10 आ गई। अब चाहे इसका योग निकाल लो, चाहे गुणनखंड निकाल लो, जो भी निकालना हो, बस बेसिक यही याद रखो। चाहे देखिए, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं, चाहे जितना भी क्वेश्चन घुमा दें। देखिए रेखा और जया की आयु का अनुपात 3:5 है, बेसिक समझिएगा बस। और रेखा की आयु जो जया की आयु से 8 वर्ष कम है, तो बताइए जया की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी। आप देखिए यहाँ पे सम नहीं लिखा, सम नहीं दिया हुआ है, दोनों का योग, उसको मान लीजिए एक्स था, तो मान लीजिए अगर आपने एक्स माना, तो यहाँ पे रेखा लिख लीजिए, यहाँ पे जया लिख लीजिए, अनुपात दिया हुआ है 3:5। अब 3 + 5 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने एक्स मानी टोटल एज, इसमें जो सम है इसका एक्स हो जाएगी, तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/8। अब एक भाग की वैल्यू इतनी हो गई, तो यानी रेखा की एज कितनी होगी, 3 भाग है, तो 3x/8। और जो जया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जया की एज 5x/8 हो जाएगी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेखा की आयु जया की आयु से 8 वर्ष कम है, जया की आयु से 8 वर्ष कम है, जया की कितनी है 5x/8, और रेखा की कितनी 3x/8, दोनों को आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8, ये लिखा हुआ है 8 साल कम है। अब इसकी वैल्यू निकाल लिए, तो 2x/8 = कितना हो गया, 8 हो गया, तो x = कितना हो गया, 32 हो गया।
32 यानी कि टोटल है इसकी, ये टोटल दोनों की एज है, योग है। अब जया की आयु आपको चार वर्ष बाद निकालनी, तो जया की आप अभी निकालेंगे कितनी आएगी, 5x/8 है, तो यानी कि 5 × 5 × 40/8 हो, 5 × 32/8 हो जाएगी, कितना आया 20 आया ये। और आपसे क्या पूछा, चार वर्ष बाद पूछी, तो चार वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 + 4 यानी कि 24। सिंपल है एकदम, चाहे जैसे भी क्वेश्चन आप घुमा दें। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटू और भोलू की आयु का अनुपात 3:2 है, दोनों की आयु का गुणनफल इतना है। फिर वही एक्स मान लीजिए टोटल है, ये छोटू है ये है भोलू, तो कितना दिया हुआ रेशियो 3:2, यानी कि 3 + 2 भाग की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स हो गई, एक भाग की वैल्यू कितनी हो गई, x/5 हो गई। तो इसकी छोटू की आयु कितनी हो गई, 3x/5, भोलू की आयु कितनी होगी, 2x/5। ठीक है, अब दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि 3x/5 × 2x/5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 54 दी है। इससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 5 यानी कि 15 आ जाएगी, तो टोटल जो समय वो 15 आ गया। अब इससे पूछ रहा है आपको छोटू की आयु चार वर्ष बाद क्या होगी, तो छोटू की आयु अभी क्या है, 3x/5 है, तो 3/5 × 15 करेंगे कितना आ गया, तो अभी कितनी है छोटू की आयु, अभी छोटू की आयु 9 साल है, चार वर्ष बाद कितनी होगी, 9 + 4 कर दिए 13। कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, फिर छोटू की पूछ लें, भोलू की पूछ लें, दोनों का सम पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं, सब इससे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर दिए लास्ट, इसमें देखिए पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स है ये। दीपक की आयु तथा सोहन की आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है, 6 वर्ष बाद दीपक की आयु 26 साल है और प्रदीप की आयु अभी इस समय पूछ रहा है। अब मान लिए देखिए वही सम इसमें करना है, एक्स आपने टोटल माना, ये है दीपक और ये है सोहन, ठीक है, दोनों की आयु का अनुपात कितना 4:3 है, तो 4 + 3 भाग कितना हुआ, 4 + 3 भाग की वैल्यू हो गई एक्स, एक भाग की वैल्यू कितनी हो गई, एक भाग की वैल्यू हो गई x/7, तो दीपक की आयु इस समय कितनी है, 4 भाग है, तो 4x/7 हो गई। ये सोहन की आयु कितनी, 3 भाग है, तो 3x/7 हो गई। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद दीपक की आयु 26 साल है, दीपक ये है तो 6 वर्ष बाद मतलब कि 4x/7 और प्लस इसमें 6 और जोड़ दो तो कितना, ये 26 साल है। इससे आप निकाल लेंगे 4x/7 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, तो एक्स कितना आ गया इसमें, 35 आ गया, तो एक्स की वैल्यू निकल आई। अब प्रदीप की आयु आपसे पूछ रहा है इस समय की, तो प्रदीप की क्या है, ये सॉरी प्रदीप नहीं, यहाँ पे दीपक है, तो दीपक की ये सोहन की आयु पूछ रहा है आपसे, तो सोहन की आयु आपको निकालनी है, तो सोहन की आप कैसे निकालेंगे, सोहन के लिए आप 3x/3 × 35/7 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 15 हो गया आंसर इसका, हो गया। कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे, बस सिंपल ट्रिक याद रखनी है, तो पहले टाइप के हो गए। अब दूसरे टाइप के लिए देखिए आयु अनुपात इसमें दिया रहता है, उसमें आयु पूछने रहता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें बस एक चीज आपको याद रखनी है कि दोनों का डिफरेंस बराबर याद रखना है, ठीक है। देखिए सीता और गीता की आयु 16 साल पहले, देखिए पहले आपको पास्ट वाला लिखना है यहाँ पे और फिर प्रेजेंट वाला लिखना है, तो 16 साल पहले 3:4 थी, वर्तमान में कितनी 7:8, तो पहले कितनी थी 3:4, वर्तमान में कितनी है 7:8। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 और ये 4 में करेंगे तो ये 4 आया, यहां से करेंगे तो 4 रेशियो आया, दोनों बराबर है रेशियो। देखिए ये जो दोनों डिफरेंस है, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी ये ट्रिक काम करेगी। अब इसमें क्या कह रहा है, 16 साल लग गए, मतलब ये पास्ट से यहां तक आने में 16 साल लग गए, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब आपसे पूछ रहा है दोनों की आयु बताओ, तो दोनों की आयु कितनी है इस समय, 7 है इनकी, तो 7 × 7 रेशियो है, तो 7 × 4 कर देंगे, 28 हो गई, इनकी 8 रेशियो है, तो 32 हो गई, 8 × 4 करेंगे। ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको याद क्या रखना है कि दोनों के रेशियो लिखिए, पहले पास्ट वाला लिखिए, फिर प्रेजेंट वाला लिखिए, फिर उससे वहां तक मूव करिए और देखिए दोनों में जो डिफरेंस है ये कॉमन होना चाहिए, नहीं है तो फिर उसको कॉमन करके एलसीएम लेके बनाइए और जितने रेशियो है उसको उतने नंबर जितने ईयर लगे उसके हिसाब से करके और जो फाइनल वैल्यू उस हिसाब से आप देख लीजिए, पूरा आंसर आ जाएगा। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आपको बराबर रखने के लिए एलसीएम भी लेना पड़ सकता है। देखिए कैसे, मोहन की आयु सोहन की 3 गुनी है, तो ये आपने मोहन लिखा और ये सोहन लिखा, 3 गुनी है तो 3:1 हुआ, ये कब है, प्रेजेंट में है, लेकिन 10 साल पहले कितनी थी, 10 साल पहले मोहन सोहन से 8 गुनी आयु का था, तो यहाँ पे मोहन सोहन लिखा, आपने पास्ट पहले लिखना है, तब कितना था, 8 गुना था, यानी कि 8:1 हुआ, ठीक है। अब ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, अब इन दोनों में देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 0, लेकिन आपको दोनों का डिफरेंस सेम चाहिए तभी ये ट्रिक अपनाई जा सकती है।